माइकल शुमाकर एक ऐसा नाम जिसका दूसरा मतलब रफ्तार था, एक ऐसा नाम जिसके बिना फॉर्मूला वन रेस ही अधूरी है, एक ऐसा चैंपियन जिसने 17 सालों तक रफ्तार की दुनिया पर राज किया। शुमाकर फ्रांस के एल्प्स की पहाड़ियों में परिवार के साथ छुट्टी मनाने गए थे, जहां वो अपने 14 साल के बेटे और दूसरे लोगों के साथ स्कीइंग कर रहे थे। इसी दौरान वो एक चट्टान से टकरा गए, उनके सिर पर गहरी चोट लगी और वो कोमा में चले गए। शुमाकर का जन्म 3 जनवरी 1969 को जर्मनी के हर्थ में हुआ। बचपन से ही शुमाकर को रेस का शौक था, जिसे पूरा करने के लिए उनके पिता ने पेडल कार्ट के जरिए शुमाकर को आगे बढ़ाया। 4 साल की उम्र में शुमाकर ने कार्टिंग ट्रैक में एडमिशन लिया और फिर जल्द ही उनकी प्रतिभा ने फॉर्मूला वन की तेजी पकड़ ली। 1991 में जॉर्डन फोर्ड टीम के साथ शुमाकर ने पहली बार फॉर्मूला वन में हिस्सा लिया, लेकिन शुमाकर को असली कामयाबी मिली साल 1994 में, जब वो पहली बार ड्राइवर चैंपियनशिप में सबसे ऊपर रहे। बेंटन के लिए रेस करते हुए साल 1995 में भी शुमाकर ने अपना खिताब बनाए रखा। साल 1996 ये वो साल था जब शुमाकर ने फरारी टीम के साथ करार किया। इस दौरान फरारी की टीम की हालत बेहद खस्ता थी, लेकिन शुमाकर के आते ही फरारी के दिन ही बदल गए। लगातार जीत के साथ उन्होंने न केवल फरारी टीम को नया जीवन दान दिया, बल्कि दुनिया की टॉप टीमों में भी शुमार करा दिया। साल 2000 से लेकर 2004 तक शुमाकर ने लगातार 5 साल ड्राइवर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया। इससे पहले कोई भी फॉर्मूला वन ड्राइवर ये कारनामा नहीं कर पाया था। F1 में किसी भी ड्राइवर का प्रदर्शन बारिश के दौरान परखा जाता है। इन परिस्थितियों में भी शुमाकर दुनिया भर के ड्राइवरों पर भारी रहे। रेसिंग के इस चैंपियन के नाम इतने रिकॉर्ड हैं कि जिसे पाने की शायद कोई सोच भी नहीं सकता। अपने करियर में शुमाकर रिकॉर्ड 7 बार वर्ल्ड रेसिंग चैंपियन रहे। शुमाकर के इस रिकॉर्ड की बराबरी सेबेस्टियन वेटल ने हाल ही में की थी। यही नहीं, फास्टेस्ट लैप का रिकॉर्ड भी शुमाकर के ही नाम है। ये रिकॉर्ड ही बयान करते हैं कि क्यों शुमाकर को फॉर्मूला वन के करीब 7 दशकों के इतिहास में सबसे महान रेसर कहा गया। 25 नवंबर 2012 को उन्होंने आखिरी बार ब्राजील ग्रांप्री में रेस लगाई और इसके बाद उन्होंने इस खेल को अलविदा कह दिया।